नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, राइट। अल्केन्स आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यू नो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, फोर वैलेंसीज की होती है। अगर वो चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है कार्बन के केस में, ये चीज़ आपने ज़हन में शीन करनी है, अगर कार्बन पूरे चार बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड फोर बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड तो चार हो जाते हैं, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल है, यानी ओवरऑल अगर हम तीन बॉन्ड इसको कंसिडर करें, सही है, तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और अगर कार्बन जो है एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी ओवरऑल इसको अगर हम दो बॉन्ड कंसिडर करें, तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ठीक है। ये देखिए, एक दो तीन चार, अगर चार है तो sp, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये sp3 हो जाता है, सही है। ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस तरह आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे, तो ये 1 2 3, तो 1 2 3, ये sp2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें कार्बन की, तो इसको हम सिंगल कंसिडर करेंगे, 1 और ये 2 हो गया, तो 1 and 2 sp। तो अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और अगर कार्बन जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है। अब क्योंकि अल्केन्स में सारे बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सो अल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह है, C2H6 का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जितने भी अल्केन्स हैं आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। आप CH4 के लिए भी सेम कर सकते हैं, C3H8 जो प्रोपेन है उसके लिए भी कर सकते हैं, वट एवर जो भी अल्केन्स आप लें आप इसी चीज़ को उस पर फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो C2H6 को हम लेते हैं, दो कार्बन है इसमें, और एक कार्बन में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो तीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस ज्योमेट्री में आपके पास आते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आते हैं। आपको पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह होते हैं, सही है। तो इसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लें तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बन जाती है, सही है। तो सेम यहां पर भी हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में है, ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स का आ जाता है। सिमिलरली दूसरे कार्बन में भी सेम इसी तरह का अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स का, क्योंकि दूसरा कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। तो दूसरा कार्बन अगर मैं यहां पे लिख लूं, तो अब इसका जो एक sp3 है वो इस sp3 के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो बॉन्ड्स हैं sp3 वो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारे, ये भी sp3, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3, ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बन हो गया दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन के जो sp3 है वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो दो कार्बन के sp3 हाइब्रिड जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि लीनियर ओवरलैप है और ये एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें आप देखिए 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास जो है, कार्बन की तो हमने बात की कि कार्बन जो है उसके साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तीन, जो हाइड्रोजन है वो सिंपल एक स्फेरिकल s ऑर्बिटल उसके साथ मौजूद है। तो अगर 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि 6 s ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस sp3 के साथ एक हाइड्रोजन का s ओवरलैप कर जाता है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाता है, यहाँ पे तीसरा, तो ये एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, तीन बॉन्ड्स यहाँ पे हमारे साथ बन जाते हैं, क्लियर हो गया। ये कौन से बॉन्ड है, ये sp3 सिग्मा बॉन्ड है,
ये भी एस एस पी थ्री सिग्मा, ये भी एस एस पी थ्री सिग्मा, ये कौन सा सिग्मा था? sp3 सिग्मा बॉन्ड था। ठीक है, तो इसका नेचर, इसका नेचर चेंज है, ये sp3 है और ये वाला कौन सा है? ssp3 है। अब यहां पर भी एक हाइड्रोजन ssp3, एक दूसरा ssp3, एक तीसरा ssp3 ओवरलैप हो जाएगा, तो तीन सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे बन जाएंगे ये। अब चूंकि ये वाला ओवरलैप, ये और ये तीन, ये सेम है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 6, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रम है। बस समझ में आ रही है? जो आपके पास कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, दिस इज sp3 sp3, सो sp3 sp3 जो के नेचर चेंज है, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन, दैट इज 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम होगा। तो दिस इज 1.54 sp3 sp3 और दिस इज ssp3 व्हिच इज 1.09। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ssp3 बॉन्ड छोटा क्यों है और sp3 लंबा क्यों है? शॉर्ट बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब sp3 1.54 है जबकि ssp3 जो है वो 1.09 है, इसकी रीजन क्या है? एनीवन? बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ याद करें। हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक बात की थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे और काइंड ऑफ ओवरलैप पे डिपेंड करता है। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब यहां पे एक एस प्योर एस है और एक हाइब्रिड है sp3। sp3 में एस करेक्टर 25% है, इसमें कितना है? 25% एस है, ये 100% एस है। तो एस करेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। मतलब दोनों को इकट्ठा करके 125 तकरीबन आ जाता है। जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूं। यहां पे अगर आप बात करें तो 25% एस, 25% एस कंपेयर टू दैट वन, यहां पे एस करेक्टर बहुत कम है। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम ओवरलैप होगा, क्योंकि एस यूनोस्फेरिकल होता है, वो हर एक एंगल के साथ जो है ओवरलैप कर जाता है, जितनी मैक्सिमम ओवरलैप होगी बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड जितना मजबूत होगा इतना शॉर्ट होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी कम होती है। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर है, जो जितने हमारे पास जो बॉन्ड एंगल्स हैं, दैट इज 109.5 डिग्री, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, इवन एक कार्बन दूसरे कार्बन की जो मसलन ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने मॉडल से बनाया हुआ है, तो इसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी 109.5 होगा, सही है? इसमें अगर सिर्फ एक, लेट्स से मैं मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये आप देखें, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सही है, हर एक एंगल से आप इसको देखें 109.5 डिग्री, ये सिमिलर आता है, बिल्कुल सेम, हर एक एंगल से ये सेम है, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह आप देखें तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा, ये तीन बॉन्ड्स जो है मेरी तरफ है, ये एक आउटसाइड है, इस तरह अगर मैं इसको लिखूं तो देखें ये एक थोड़े से साइड पे आता है। बात समझ में आ रही है? हमने अभी ईथेन का स्ट्रक्चर किया, तो ईथेन के स्ट्रक्चर में आप लोग अगर देख लें, सो इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर जाता है, ये देखें ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन मैंने ले लिया, तो सबसे पहले तो इनका ओवरलैप हो जाता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब तीनों, दोनों जो कार्बन है इसके साथ क्या है, तीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये लेट्स से ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके हैं, ठीक है। इसी तरह इस दूसरे के साथ, दूसरे कार्बन के साथ भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, सही है।
दिस। सो अगर हम सिर्फ एक को देख लें तो ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके साथ मौजूद हैं, सही है। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इसके जो एक कार्बन के तीन, दूसरे कार्बन के तीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो मिक्स हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आ जाता है, सिमिलरली यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन आ जाता है, सिमिलरली यहाँ पर तीन और हाइड्रोजन हमारे पास मिक्स हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सही है। और इस तरह इसकी एक स्टेबल ज्योमेट्री बन जाती है, इसको इस तरह आप देखें, सही है, या यूं देखें तो इसमें ये वाला बॉन्ड एंगल अगर आप देखें 109 होगा, ये बॉन्ड आप देखें 109 होगा, कोई भी दो बॉन्ड्स इसमें आप ले लें उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। इसके साथ आप जितने मर्जी मजीद आप कार्बन वो कर सकते हैं, मसलन ये एक और CH3 में इसके साथ लगाता हूँ तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन आप निकालें, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन आप निकालें, ये वाइट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जगह पे आप CH3 को लगा लें, नाउ ये आपके पास प्रोपेन बन जाता है। एक और CH3 अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, एक और वाइट बॉल, यानी आप यहां से हमने निकालना है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन आप निकाल लें, लेट से अगर मैं इधर से निकालता हूं तो ये आपके पास आइसोमेरिक जो आइसोब्यूटेन है वो बनेगा, नाउ दिस इज आइसोब्यूटेन क्योंकि मिडिल कार्बन के साथ इसको मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यू करता हूँ कि टर्मिनल कार्बन के साथ अगर मैं इसको अटैच कर दूँ तो अब ये नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। सो जितना मर्जी आप इस चेन को मजीद लेंथी करें, ठीक है, आपके पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन 1.54 एंगस्ट्रम, जो कार्बन हाइड्रोजन है वो 1.09 एंगस्ट्रम, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्केन्स।